आइए अगली खबर में आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के मानसून के बारे में। मध्य प्रदेश में प्री मानसून ने भीषण गर्मी से राहत दी है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, खरगोन, विदिशा समेत कई जिलों में बारिश होने से दिन रात का पारा लुढ़क गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर पी के साहा ने बताया, रविवार को इंदौर, भोपाल, रीवा, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। 13 जून से प्रदेश भर में प्री मानसून की एक्टिविटी रहेगी, जबकि 15 जून के बाद मुख्य मानसून की प्रदेश में एंट्री की संभावना है। शनिवार को राजधानी भोपाल समेत विदिशा, धार, खरगोन, सीहोर, सागर और बैतूल जिलों में बारिश हुई थी। इसके चलते मौसम सुहाना हो गया और गर्मी से भी राहत मिली। उज्जैन में झमाझम बारिश होने से सड़कों में पानी बह गया। ऐसा ही नजारा खंडवा, खरगोन, विदिशा में भी देखा गया है। यह दौर रविवार को भी होने की उम्मीद है। रविवार को प्री मानसून की एक्टिविटी इंदौर, भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम आदि जिलों में रहेगी। यहां पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। बारिश होने से कई जिलों में दिन रात का पारा लुढ़क गया है। शनिवार को भोपाल में अधिकतम तापमान 40.9, इंदौर में 38.1, जबलपुर में 41.3, बैतूल में 38.7, धार में 38.5, उज्जैन में 39.5 और छिंदवाड़ा में 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रात के तापमान में भी गिरावट हुई है। धार में 23.5, पचमढ़ी में 23.6, छिंदवाड़ा में 23 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।